जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूँ। मुझे पता है काफी डर वाला माहौल है, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। सॉरी, देखो सबसे पहली बात कि ऐसा डर वाली कोई चीज नहीं है। आपका पेपर होने वाला है और हमने प्रिपेयर किया है साथ में मस्त तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो तीन गलतियां हैं जो आप पेपर में हमेशा करते हो, जिससे प्रिपरेशन करने के बाद भी आप चीजों को गलत कर देते हो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसे होता है ना कि जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो माँ बाप हमेशा सिखा रहे होते हैं हमें कि भाई बाहर किसी से खाना मत खाना। सेम वैसी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ और उसको अपने माइंड में रखना, सच में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड उस डायलॉग के लिए सॉरी, मेरे को मारना था बस वो कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं तो भैया ये है आपका पैनिक वाला सिचुएशन। अब देखो होता क्या है ना कि आप सब जा रहे हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, सबका मन है एग्जाम क्लियर करना है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना आप थोड़े पैनिक हो जाते हो। देखो दो चीजें होंगी आपके पेपर में, या तो आपका पेपर इजी होगा या तो आपका पेपर टफ होगा, लेकिन आपको एक चीज को ध्यान रखना है डिपेंड ऑन योर सेट कि भैया टफ होगा तो 100% लोगों के लिए होगा और इजी होगा तो 100% लोगों के लिए होगा, सबके लिए होगा। तो ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा बहुत दुखी होना है, क्योंकि भैया अगर कभी कभी सीडीएस में ऐसा होता है कि जीएस की कट ऑफ 15 नंबर भी गई हुई। क्यों गई थी? क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था। सेम अटेम्प्ट में मैं भी था, मुझे लगा था यार क्या हुआ ये तो 20 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन नंबर बन रहे थे और पेपर भी क्लियर हो गया। तो रीजन बिंग कि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो इजी और टफ के चक्कर में, सेम एक चीज मतलब खुद को काम रखना। एक चीज और होती है, मान लो आपने एक सेट खोला, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जीके की, आपने स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़े और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बना। इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि 120 क्वेश्चन है, 120 में से 120 नहीं बनेंगे। भाई सिंपल सी बात है, पूरे पेपर को मैं दिमाग कूल एकदम शांत रख के सारे क्वेश्चन को देखना है और अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको पैनिक नहीं होना है, अगर पेपर इजी होगा तो सबके लिए होगा और पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अपने दिमाग को ना खुला रखना है। वहां पर क्या होता है, मैंने देखा है कि ना एग्जाम में जाते ऐसा लगता है ना कि इनका दिमाग ही बंद हो गया। दो तरीके के लोग होते हैं, या तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा या तो बहुत फास्ट चलेगा। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, सोचना ही बंद कर देते हैं। भैया आपको अटेंटिव रहना है थ्रू आउट द पेपर, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीके का हो, मैथ्स का हो, अपना दिमाग खोल के रखना है और देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ रहा होता है कि इनमें से कौन नहीं है, नॉट पूछ रहा होता है, आपको ऑप्शन मिलता है आप टिक करके फटाक से आगे निकल जाते हो। तो भैया दिमाग खोल के आप क्या पेपर में कर रहे हो, क्वेश्चन को थोरली ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन सही है, अच्छा एक बात और भी आपको मैं सिखाता हूँ। देखो मान लो कि आपको 10 क्वेश्चन एक सेट में मिल गया, ठीक है। अब आप जब 1 2 3 4 अटेंड कर रहे हो तो जो इजी वाला क्वेश्चन है ना उसके लिए भी आपको सेम मार्क्स मिलने वाले हैं और जो टफ है उसके लिए भी सेम मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन आप क्या करते हो टफ वाले को देख के पैनिक हो जाते हो। तो ये नहीं करना है, अपना दिमाग खुला रखना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको कहाँ पे गलती करनी है, मतलब सॉरी कहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो ओवर कॉन्फिडेंस, मान लेते हैं ये सबकी बात है, भैया पेपर में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपके फेवरेट मिल गए, आप फ्लो में आ गए। सबसे पहली गलती जो ओएमआर में लोग करते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पता क्या करते हैं, मान लो आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे है 1 2 3 4, आपने पहले क्वेश्चन का देखा कि ए होगा और आपने पहले क्वेश्चन की जगह दूसरे में यहां कलर कर दिया, उसके बाद 3 4 5 सारा का सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा और पेपर, समझ रहे हो। तो इसीलिए दिमाग खोल के हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अगर पेपर आपको इजी भी लगे तो ओएमआर पे ध्यान देना। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, आप एक बात समझो, अगर आपके पास कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो आप ना उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो, मतलब कि आप लेते हो अपने ईगो पे। ईगो का मतलब ये कि भैया ये तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, और आपको रियलाइज नहीं होता कि आपका कितना टाइम निकल गया। सो माय सजेशन इज कि भैया जब इजी हो या टफ हो, जब इजी हो या टफ हो दोनों से सेम ही मार्क्स मिलने हैं तो क्यों पैनिक होना, क्यों करना मतलब क्यों काम खराब करना। भाई छोड़ दो उसको, नहीं आ रहा तो 120 क्वेश्चन है, मैथ्स में 100 क्वेश्चन है, कुछ तो मिलेगा, सॉल्व होगा, पढ़ा है तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से करके आप इसको कर सकते हो। अगर इसके बाद भी तुम्हें लग रहा है, अच्छा एक बात ना समझो, देखो रिस्क कहाँ लेना होता है मैं आपको सुनाता हूँ। देखो रिस्क का मतलब ये होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, इसका मतलब ये कि अगर आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, 40 क्वेश्चन, और आपने इसमें से
10 क्वेश्चन सही किए और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए। मान लो कि आपने 40 क्वेश्चन को तुक्का मार दिया, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 10 सही हो गए, फिर भी आपके मतलब आपके ओवरऑल मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कट डाउन होकर जीरो हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन जवाब ये 10 क्वेश्चन सही किए, इसके आपको जो भी 8 नंबर मिलने वाले होंगे और इसका मतलब 0.84 के हिसाब से, और इसका 1/3 कर लो, तो मतलब घुमा फिरा के आपका कोई मार्क्स से फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि इंग्लिश में तो करना जितना अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी जीके एंड मैथ्स में भैया रिस्क लेना कब, जब आपका 50-50 वाला हिसाब किताब हो। कितना? 50-50 वाला। अब यार 40 में 3:1 का रेशियो है, ठीक है, कि मतलब 40 क्वेश्चन अगर करने वाले हो तो 30 क्वेश्चन गलत कर दोगे, 10 सही कर दोगे, तब भी आपके ओरिजिनल मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में कट के जीरो हो जाएगा। लेकिन एक बात इमेजिन करो कि अब कितनी किस्मत खराब होगी तुम्हारी कि तुम्हारे 40 में 40 गलत हो जाए, फिर तो तुम पे भगवान मेहरबान है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, लेकिन जहां पे 50-50 का चांस लगता है वहां पर इस ले लो यार, सब लेते, थोड़ा बहुत तो चाहे कितना भी समझा लो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा हो तो आज और कल मैं आपके कॉल्स के लिए रेडी हूँ। सो पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी कंसर्न हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्जाम जाओ तो एकदम माइंड से फ्री होके जाओ, अपना जो भी दुख दर्द है मुझे बता देना, करेंगे आराम से करेंगे। इस पेपर आपके बहुत सारे क्वेरीज बैचेस के भी आ रहे थे, इसके बाद पढ़ेंगे। अरे हम कहा, एक बात बताओ, डिफेंस मैनिया तो पढ़ाएगा ना आपको, वो तो हमेशा ही पढ़ाएगा, CDS 2 हो, 2024-25-26 हो, जो भी नए बच्चे होंगे सबको पढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी कंसर्न है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा आपका मन हल्का हो जाएगा बात करके, मैसेज ड्रॉप कर दो विथ योर नेम, अपनी परेशानी क्या है, आई विल डेफिनेटली कॉल यू। आपसे एग्जाम के पहले एक बार बात कर लेंगे और मामला शांत कर जाएंगे। और भैया टाइम पे सो जाना, ये इंस्टा रील और भी ना मैं चेक करूंगा, बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, टाइम पे सो जाना, क्योंकि अगर नहीं सोओगे तो एग्जाम में जब जाओगे तो वहां पे सर घूम रहा होगा तुम्हारा। बाकी वो रामधारी सिंह दिनकर की जो एक पंक्ति है कि मतलब मंजिल, अब मंजिल दूर नहीं है, आप यूट्यूब पे उसको सुनना एक बार, बहुत बहुत मस्त है। मतलब चलते चलते थक गया क्या साथी, मंजिल दूर नहीं है, मतलब यहाँ तक चल के आ गए हैं हम लोग, तो अब थकना नहीं है क्योंकि मंजिल बहुत पास है, अब मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल, आई होप तुम्हें ये काम की लगी होंगी, और बाकी ठीक है अपने कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच ऑल, और मस्त करके आना। जय हिंद।